गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 9, बॉक्सेस एंड स्केचेस। तो ज़्यादातर ये चैप्टर पूरा फिगर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसमें जितना समझ में आए स्टूडेंट्स आप उतना ध्यान रखना, बाकी ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा विदाउट एनी एक्टिविटी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन बी मेड इन टू अ बॉक्स, कौन से शेप में से बॉक्स बनता है उसको आगे राइट करना है। तो जैसे कि कैसा बॉक्स बनता है ऐसे समझ लो आप, ऐसा एक बॉक्स बन रहा है जो क्यूबॉइड शेप का एक बॉक्स बनेगा। किसमें बनेगा किसमें नहीं बनेगा वो आपको देखना है। तो बॉक्स में हमेशा कितनी साइड होगी, चार साइड होगी, 1, 2, 3, 4। तो सब में आपको चार साइड दिख रही है, सब में दिख रही है, पर यहाँ पे बॉक्स कैसा होना चाहिए, क्लोज बॉक्स होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ऐसा पेपर कटिंग करना पड़ेगा और पेपर कटिंग करके ही आप उसको जज कर पाओगे। सो पेपर कटिंग करके इसको जब फोल्ड करोगे तो इसमें देखो ये चार साइड फोल्ड हो जाएगी, ये उसका क्लोज हिस्सा और ये भी उसका क्लोज हिस्सा, मतलब कि ये बॉक्स बनेगा। सेकंड में देखो, जब इसको फोल्ड करेंगे हम, सो ये लास्ट हिस्सा और फर्स्ट हिस्सा एक ही साइड आएगा, मतलब एक साइड खुली रहेगी, एक साइड हमारी खुली रहेगी, तो इससे बॉक्स नहीं बनेगा, इसमें राइट नहीं करना है। थर्ड में भी बनेगा, मतलब इसमें राइट करना है। फोर्थ में भी नहीं बनेगा। तो ये जब ऐसा पेपर का टुकड़ा कटिंग करो इस हिसाब से मेजरमेंट के साथ, तभी आपको पता चलेगा। अगर स्कूल ओपन होती तो मैं आपको ये एक्टिविटी करके समझाता, और फिर भी आगे मुझे लगेगा ऐसा कोई एनिमेशन वीडियो है इसके बॉक्स के रिगार्डिंग, तो मैं आपको एनिमेशन वीडियो भेजूंगा जिससे आपको पता चले कि कौन से फिगर से बॉक्स बनेगा कौन से नहीं बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ फोर शेप्स विच कैन बी फोल्डेड इन टू अ क्यूब। तो ऐसे चार शेप ड्रॉ करो जिससे बॉक्स बने। तो इसके जैसे कि इसको यहाँ से मोड़ना है, इसको ऊपर मोड़ना है, फिर इसको ऊपर मोड़ना है, फिर इसको लेफ्ट साइड मोड़ेंगे, इसको आप मोड़ेंगे, तो पूरा एक बॉक्स बन जाएगा ऐसा। तो पूरा डाइस जैसा एक बॉक्स बन जाएगा। सेकंड में भी ऐसे बन जाएगा। थर्ड में मैंने जो ड्रॉ किया उसमें ये साइड को यहाँ फोल्ड करो, ये साइड को यहाँ फोल्ड करो, तो दो साइड खड़ी हो गई, इसको यहाँ फोल्ड करो तो तीन साइड हो गई, और चौथी साइड ये होगी। सो पूरा बॉक्स चार साइडें से घिर जाएगा, और ये पांचवा उसका ढक्कन, और उसके ऊपर का जो हिस्सा होगा इससे बंद हो जाएगा एज इट इज, इसका रिवर्स है ये। तो ऐसे ये चार फिगर जो है इसमें हम बॉक्स क्यूब बना सकते हैं। तो आपको ये फिगर और ये फिगर ड्रॉ करनी है अपनी वर्कबुक में। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ऐसा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन बी मेड इन टू एन ओपन बॉक्स, इसमें से किसमें ओपन बॉक्स बनेगा। इसमें ध्यान रखना है कैसा बॉक्स होना चाहिए, ओपन, मतलब तीन साइड से बंद हो, और चौथी साइड ओपन हो। देखो ऐसे, ये तीन साइड, 1, 2, 3, 4 साइड ये क्लोज, और ऊपर से ये बॉक्स कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ऊपर से बॉक्स खुला होना चाहिए। तो उसके लिए सोचो आप, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इसको यहाँ मोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ मोड़ेंगे, सो इसकी दो साइड हो जाएगी, उसका ऊपर का ढक्कन नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं बनेगा। सेकंड में देखो, इसको यहाँ फोल्ड करेंगे, इसको यहाँ फोल्ड करेंगे, इसको यहाँ फोल्ड करेंगे, इमेजिन करो आप तो तभी पता चलेगा। तो तीन साइड ऐसे हो जाएगी, और चौथे को आप ऐसे मोड़ करोगे तो आपको ये बॉक्स बनेगा एज इट इज। थर्ड में देखो, इसको अंदर की साइड मोड़ करो, इसको अंदर की साइड मोड़ करो, इसको भी अंदर की साइड, इसको भी अंदर की साइड मोड़ करो, तो ऊपर से खुला हुआ एक बॉक्स आपको मिलेगा एज इट इज। ये जो बॉक्सेस जो है, इसको अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ मोड़ करना है एज इट इज, दीज टू साइड्स ऑल्सो। सो थर्ड फिगर में भी आप बॉक्स बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आपको ये एक्टिविटी से ही पता चलेगा। मैं ट्राई करूँगा आगे ऐसी एक्टिविटी का वीडियो बना के आपको भेज पाऊँ तो, बाकी आप अगर खुद कर सको तो ऐसा जो आपके पास थोड़ा मोटा पुंठा हो उससे ऐसा कटिंग करके ऐसे उसमें घड़ी बना के आप इसको मोड़ करने का ट्राई करो तो होगा। ओके, एज इट इज़ यहाँ पे बहुत सारी फिगर दी हुई है, तो जिसके मैंने आंसर दिए थे आपको 3, 4, 2, 3, 4 और
फाइव सिक्स इसमें क्यूब बनेगा, बाकी किसी में नहीं बनेगा। तो उसके लिए एक्टिविटी ही करनी पड़ेगी आपको, अलग अलग ऐसे कटिंग करने पड़ेंगे, कटिंग में ऐसे आपको घड़ी बनानी पड़ेगी और फिर इससे आप ये कर पाओगे एज इन 9, 10 and 12। तो ये एक्टिविटी है पूरी जो आप ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं इसका वीडियो आपको अच्छे से बना के भेजूंगा, अगर एनिमेशन वीडियो भी नहीं मिला तो मुझे। देन मैच द फॉलोइंग शेप्स विद देयर बॉक्सेस, फॉलोइंग शेप्स को मैच करना है। तो ये वाला है, इसको जब मोड़ेंगे तो ऐसा फिगर बनेगा। जैसे ये कॉर्न है तो इसमें भी आपको पेपर का कटिंग करना है, ऐसे सर्कल में से ऐसा कटिंग करना है। इसको जब मोड़ोगे तो आपको ये कॉर्न शेप मिलेगा। ये भी पेपर की कटिंग से आपको जब इसको मोड़ेंगे तो आपको ऐसी फिगर मिलेगी। और रेक्टेंगल जो शेप होगा देखो, फर्स्ट इज ओके, सेकंड इज ओके, और यहाँ ये मिस्टेक हो गई है, सी दिस। तो ये स्क्वायर पेपर से आपका ये फोर्थ बनेगा। तो स्टूडेंट्स अपनी ये मिस्टेक इम्प्रूव कर लेना, मेरी पीडीएफ में मिस्टेक हो गई है, सो सॉरी फॉर दिस। दोनों के आंसर एक में चले गए थे। तो फोर्थ वाले का ये देखो, फोर्थ में स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर पेपर को कैसे मोड़ेंगे, गोल गोल इसको अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो एक आपको सिलेंडर टाइप का शेप मिलेगा। सो थर्ड फोर्थ नंबर का आंसर आप ठीक कर लेना, इट्स बाय मिस्टेक। सो आपको ये एक्टिविटी करके ट्राई करना है ये, और अच्छे से ये आपको बनाने हैं, ऐसे आपको पेपर कटिंग लेके उसमें से ये सब शेप बनाने हैं और उसमें से आपको ये समझना है। तो आज यहाँ तक मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ट्राई करना। बट ये मिस्टेक आप जो है इसको क्लियर करना भूलना मत, इसका आंसर ये आएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।